ऑस्ट्रेलिया वालों आपको किसी ने रोका नहीं, जो मुंह उठा के भाग आए इंडिया, भूतनी वालों देखा नहीं इंडिया वाले जो भी इनके देश में टीम आ रही है उनका क्या बुरा हाल कर रहे हैं, मार मार के अभी भी टाइम है निकल लो। ओ बाबर बुरादर, ये तुम कैसा बात करता, ये ऑस्ट्रेलिया का टीम होता ये न्यूजीलैंड श्रीलंका नहीं होता, ये आता हमारा टीम नंबर वन बॉलर में होता, नंबर वन बल्लेबाज मेरी बगल में बैठा, इंडिया का ऐसा तेल निकालेंगे। ओपित किम्स के बच्चे हम सही बॉलर हैं, आधे गेंदबाज तो आपके घायल होकर वापस जा रहे हैं, अच्छा इसी में तुम सब लौट जाओ, खामखा बेइज्जती करवाओगे, लोग हंसेंगे पूरी दुनिया वाले के ऑस्ट्रेलिया टीम भी हार गई इंडिया से। ओ बाबर भैया छोड़ इन गरीबों के पीछे क्यों पड़ गया, क्यों इनकी टांग खींच रहा है, पहले ये भूतनी के इतने बहाने बना रहे थे, अब आ गए आधे प्लेयर तो बहाना बना के लौट रहे, ये भी ससुरी वाले भाग जाएंगे, हमारा सपना पूरा कैसे होगा, हमको तो ठोकना है 4-0। कोहली भाई काय को टेंशन ले रहे, ये ससुरी वाले खेलेंगे अब नहीं भागेंगे और आ जाएंगे, लेकिन ये ससुरी वाले गंदे तरीके से आ रहे हैं, पहले रो रहे बहाने बना रहे, इनकी खिंचाई कर रहा हूँ ताकि कुछ बढ़िया खेल ले ताकि मैच देखने में मजा आए। बाबर भैया आप खामखा टाइम जाया कर रहे, खामखा गला फार फार की चिल्ला रहे, अपना ही नुकसान करोगे, इनसे कुछ नहीं होने वाला, इंडिया के तमाम बल्लेबाज फॉर्म में, इनको ऐसा ठोकेंगे ना ये कुछ नहीं कर पाएंगे, बुरे तरीके से हार जाएंगे। रोहित का बच्चा तुम चुप करो, बाबर सही बोलता, अब पहले हम शायद ना बढ़िया खेल सकते, बाबर इतना बेइज्जती कर रहा, अब देखना हम तुम पर सारा गुस्सा निकालेंगे, और इधर से जीत के जाता, ओडीआई भी जीता, टेस्ट भी जीता। हाँ बरादर तुम बिल्कुल सही बोलता, हम आए हैं टेस्ट रैंकिंग में तो हमारा 1 नंबर है, ओडीआई रैंकिंग हम 2 नंबर पर हैं, 3 ODI भी खेलेंगे, उधर भी ठोकेंगे, पहले टेस्ट मैच में ठोकेंगे, जब जाएंगे ODI भी नंबर 1 होंगे। और चुप करो ऑस्ट्रेलिया वालों, जितना मर्जी गुस्सा कर लेना, जितनी मर्जी तुम्हारी बेइज्जती हो जाए ना, जब इधर चलेगा ना गिल का बल्ला भूतनी वालों, तुम पर अकेला गिली बारी पड़ेगा, गिल के बल्ले के आगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ओ गिल का बच्चा तुम चुप करता, 1-2 शतक क्या लगा ले, भूतनी का हवा में उड़ता, ये ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी होती तेरी फटके हाथ में आती, हम टेस्ट मैच में 1 नंबर रैंकिंग का गेंदबाज होता। ओ पित गिम्स के बच्चे चुप कर, हमको ज्यादा गुस्सा आया ना, ऐसे ठोकेंगे 4-0 से, उसके बाद तुम जाओगे 4 नंबर पर, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी तुम नहीं खेल पाओगे, भूतनी के हमारे साथ फिर कोई और ही खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया वालों हमारा गिल बिल्कुल सही बोल रहा है, तुम आए हो ना टॉप पर हो टेस्ट रैंकिंग में, जब जाओगे 4 नंबर पर बिल्कुल आ जाओगे, न्यूजीलैंड भी ODI रैंकिंग में टॉप पर था जब हमारे हाथों से ठुकाना गया ना 4 नंबर पर, यही हाल तुम्हारा होने वाला है। कोहली बुरादर ये न्यूजीलैंड नहीं होता, ये ऑस्ट्रेलिया टीम होता, वैसे भी ये टेस्ट सीरीज है, कल का दिन बीच में 9 तारीख को परसों शुरू हो जाएगा, पहले दिन ही हम अपना जलवा दिखा देंगे, जब पहले दिन ही आपको ठोकेंगे फिर आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। चलो अब चुप करो ऑस्ट्रेलिया वालों, बहुत बकवास कर लिया, मुझे लगता है आपसे कुछ होने वाला नहीं है, खामखा लंबी लंबी आपने छोड़ दी है, देखते हैं आप लोग क्या करते, मुझे तो लगता है इंडिया भैया आपको 100% ठोकने वाला है। भाइयों ये केवल एक फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो।